70 और 80 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस टीना मुनीम ने हजारों दिलों पर राज किया है। टीना मुनीम को अब हम टीना अंबानी के नाम से भी जानते हैं, तो आइए जानते हैं टीना मुनीम का टीना अंबानी बनने तक का सफर। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, और मैं अंजलि आपको अब टीना मुनीम के बारे में कुछ खास बातें बताऊंगी। तो टीना अंबानी का जन्म 11 फरवरी 1955 को गुजराती परिवार में हुआ था, और बचपन से ही टीना मुनीम को फिल्मी दुनिया की तरफ आकर्षण था। टीना मुनीम ने स्नातक की पढ़ाई जय हिंद कॉलेज से की है। बचपन से एक्ट्रेस बनने के सपने देखने वाली टीना अंबानी का ये सपना बेहद जल्द ही सच हो गया। टीना ने महज 21 साल की उम्र में साल 1978 में फिल्म देश परदेश के साथ अपना कैरियर शुरू किया। देवानंद उनके अपोजिट थे। टीना को फिल्मों में काफी सफलता मिली थी। टीना को उस समय में सुपरस्टार के रूप में भी देखा जाता था। टीना ने लूटमार, मनपसंद, रॉकी, सौतन, कर्ज जैसी हिट फिल्में दी हैं और शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है। बॉलीवुड में बेहतरीन फिल्में देने के बाद अब टीना फिल्मी दुनिया से दूर हो चुकी हैं और उन्होंने अनिल अंबानी से शादी कर ली है, और टीना ने शादी के बाद फिल्मी दुनिया को दूर कर दिया था। ये तो गाइस टीना अंबानी बनने से पहले टीना मुनीम के काफी अफेयर्स रहे हैं, उसमें संजय दत्त, राजेश खन्ना का नाम भी शामिल है गाइस। बट उन्होंने शादी की 31 साल की उम्र में, और साल 1991 में बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी रचाई। अनिल ने शादी से पहले टीना का नाम देवानंद, राजेश खन्ना और संजय दत्त से जुड़ चुका था। हालांकि टीना ने शादी के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया था, लेकिन अपने 10 साल के कैरियर में टीना ने 35 सफल फिल्मों में अभिनय करके अपनी खास पहचान बनाई है। वहीं टीना और अनिल के दो बेटे हैं, जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी। आपको बता दें गाइस कि बॉलीवुड के सुपरस्टार में गिने जाने वाले दिवंगत राजेश खन्ना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी लेकर काफी चर्चा में रहे हैं। यहां तक कि अपने आखिरी वक्त में भी वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हर तरफ चर्चा में थे। डिंपल कपाड़िया ने अपने कैरियर की शुरुआत में ही शादी रचा ली थी और वह साल 1972 में उनके करीब हो गई थी। पर शादी के बाद हालांकि राजेश खन्ना शादीशुदा थे, फिर भी वो टीना मुनीम की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे, और फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई पेरिस में करने के बाद टीना मुनीम आगे भी कुछ करना चाहती थी, लेकिन देवानंद के फिल्म के ऑफर की वजह से उन्होंने अपने कैरियर को छोड़ दिया और फिल्मों में एंट्री करी। टीना को देखते ही राजेश खन्ना उनकी खूबसूरती पर फिदा हो गए और दिल हार बैठे, और कहते हैं कि टीना का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 80 के दशक में इनकी लव स्टोरी मीडिया की सुर्खियों में छाने लगी थी, और बात यहां तक आ गई थी कि टीना मुनीम राजेश खन्ना पर शादी करने का दबाव बनाने लगी। रिपोर्ट्स ऐसे भी कह रहे हैं कि टीना राजेश पर शादी का दबाव बनाने लगी थी, और राजेश खन्ना ने भी कहा था कि वह डिंपल से तलाक लेकर उनसे शादी कर लेंगे, लेकिन सच में राजेश खन्ना ने कभी भी डिंपल को तलाक नहीं दिया। और मीडिया के अनुसार टीना के लिए अब शादी का इंतजार लंबा होने लगा था, और उन्होंने लगा कि राजेश कभी भी डिंपल को तलाक नहीं देंगे, इसलिए टीना ने कहा भी था कि राजेश ने उनसे कई बार कहा था कि वह डिंपल को तलाक दे देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। टीना को अपने रिश्ते की मंजिल दूर नजर आने लगी। आखिरकार परेशान होकर टीना मुनीम ने राजेश से ब्रेकअप कर लिया और हमेशा के लिए दूर हो गई। और कहा जाता है कि टीना को जाते देख राजेश खन्ना उन्हें रो रो कर रोकते रहे, मुझे मत छोड़ो। हालांकि टीना अपनी जिंदगी से जुड़ा ये कठोर फैसला ले चुकी थी, लेकिन जाते जाते टीना ने उन्हें एक खूबसूरत गुड बाय गिफ्ट दिया। टीना ने राजेश की टॉप 20 शानदार फिल्मों की कॉपी बनवाई और उन्हें वेलवेट के कवर में रखा। कहते हैं कि टीना ने इसके कवर पर फिल्मों के नाम सोने के धागों से लिखवाए थे। जैसा कि आपको पता ही है गाइज कि देवानंद ने टीना को फिल्मों में पहला ब्रेक दिया था और इंडस्ट्री में लाए थे। इस फिल्म के बाद ही दोनों के बीच डेटिंग की खबरों ने काफी जोर पकड़ लिया था और देवानंद से भी टीना को प्यार हो गया था। तो गाइज अगला अफेयर टीना मुनीम का बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त के साथ जुड़ा। दरअसल टीना को फिल्म रॉकी में संजय दत्त के साथ रोमांटिक रोल प्ले करना था। इस फिल्म के बाद ही खबर आई कि 80 के दशक की फिल्मों की शूटिंग के दौरान दोनों को प्यार हो गया। हालांकि ये खबर ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि उस समय संजय शराब और नशीली दवाओं के आदी थे और टीना मुनीम और
और मीडिया की माने तो उस समय बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे संजय दत्त टीना को लेकर। आलम तो ये था कि एक बार संजय अपने दोस्त एक्टर गुलशन ग्रोवर के साथ मिलकर एक्टर ऋषि कपूर के साथ लड़ने उनके घर पहुंच गए थे। संजय को शक था कि शायद ऋषि कपूर का टीना के साथ अफेयर है। तो गाइज इसके बाद टीना मुनीम की लाइफ में आए अनिल अंबानी और उनकी लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है और काफी मोड़ आए हैं उनकी लव स्टोरी में भी। और कहा करते हैं कि प्यार करने वालों को जल्दी मंजिल नहीं मिलती, ऐसा ही कुछ इन दोनों की लाइफ में भी हुआ। अनिल अंबानी ने टीना मुनीम को पहली बार एक शादी में देखा था। टीना का काली साड़ी पहनकर आना अनिल को बहुत ही फबा था। कहा जाता है कि उस कार्यक्रम में टीना अकेली थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी थी। इसके बाद दोनों की मुलाकात फिलाडेल्फिया में हुई थी। उस दौरान किसी शख्स ने दोनों का परिचय कराया था। तब अनिल ने टीना से डेट पर चलने के लिए कहा था लेकिन टीना ने मना कर दिया था। गाइज उस वक्त तक टीना को रिलायंस घर आने के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसके बाद टीना के भतीजे ने उनकी मुलाकात एक बार फिर से टीना अंबानी अनिल अंबानी से कराई। मिलने से पहले टीना ने कई बार तारीखें दी लेकिन आखिर वह दिन आ ही गया क्योंकि अनिल बार बार कोशिश कर रहे थे कि टीना से उनकी मुलाकात हो और वह उनसे अपने दिल की बात कह दे। जब दोनों की मुलाकात हुई दोनों की मुलाकात हुई तो अनिल की सादगी को लेकर टीना ने काफी प्रशंसा की और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी कि अनिल अंबानी की सादगी को लेकर पहली बार जब मैं उनसे मिली तो उनकी सादगी से प्रभावित हुई। मैंने उन्हें बेहद वास्तविक और खुलकर बात करने वाला व्यक्ति पाया। वह उन पुरुषों की तरह नहीं है जिनसे अब तक मुलाकात हुई है मेरी। यहाँ तक कि हम दोनों आपस में गुजराती में ही बात किया करते थे क्योंकि गाइस दोनों ही गुजराती थे। अनिल अंबानी भी गुजराती हैं और टीना मुनीम भी। अनिल अंबानी तो शादी करने के लिए बेकरार थे पर अब बात कर लेते हैं अंबानी परिवार की कि वो उनको बहू बनाना पसंद करेंगे या नहीं, ऐसा उन्होंने कभी सोचा नहीं था। अंबानी परिवार को टीना का एक्ट्रेस होना पसंद नहीं था और परिवार के चलते टीना और अनिल के बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी। लेकिन दोनों की किस्मत में मिलना लिखा था गाइज। तो टीना अमेरिका चली गई थी और उसी साल अमेरिका के लॉस एंजलिस में भूकंप आ गया गाइस। उस दौरान टीना वहीं फंस गई थी। ऐसे में अनिल ने टीना का नंबर खोजा और उन्हें फोन किया। उनका मिलना लिखा हुआ था गाइस भगवान ने, इसी वजह से उनकी फिर से मुलाकात हुई और दोनों की बातचीत शुरू हुई। इसके बाद अंबानी परिवार ने दोनों की शादी कराने के बारे में बात की और परिवार राजी हो गया और साल 1991 में अनिल अंबानी और टीना मुनीम ने शादी रचाई। शादी के बाद टीना ने फिल्मी दुनिया में कदम नहीं रखा और उन्होंने अपना सरनेम मुनीम से बदलकर अंबानी रख लिया। अनिल और टीना के दो बच्चे हैं जिनका नाम जय अनमोल अंबानी और जय अंशुल अंबानी है। अपने कैरियर में टीना मुनीम ने देश परदेश से अपना फिल्मी कैरियर शुरू किया था। इस फिल्म में देवानंद ने उनके साथ हीरो का रोल अदा किया था। इसके बाद एक्टर्स ने लूट मार, मनपसंद रॉकी, सौतन, कर्ज, मनपसंद बातों बातों में, बड़े दिलवाला, इजाजत और कई हिट फिल्मों में अभिनय किया है। तो गाइस जैसा मैंने आपको बताया है कि टीना का जन्म 11 फरवरी 1957 को मुंबई के गुजराती परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम नंद कुमार चुनीलाल मुनीम था। उनकी मां का नाम मीनाक्षी था। टीना के 8 बहन भाई थे। टीना की स्कूली शिक्षा मुंबई के MM पुपिल आउन स्कूल से पूरी हुई। तो गाइज इस प्रकार टीना अंबानी बन गई टीना मुनीम और आज उनके दो बच्चे हैं। अंबानी परिवार हर फंक्शन और त्योहार में सुर्खियों में रहता है। वैसे तो मुकेश अंबानी के तीनों बच्चे ईशा, आकाश और अनंत के बारे में सभी जानते हैं लेकिन अनिल अंबानी और टीना अंबानी के बच्चों के बारे में कम ही लोग जानते हैं। अनिल अंबानी टीना के बच्चे मीडिया के सामने ज्यादा नहीं आते, शायद इस वजह से भी आम लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो जानते हैं कि वो बच्चे इतना ज्यादा मीडिया में क्यों नहीं छाए रहते। आपको बता दे गाइस कि वो लाइमलाइट से हमेशा दूर ही रहते हैं और उनका बड़ा बेटा 29 साल का है और स्कूली पढ़ाई मुंबई के जॉन कैनन स्कूल से उसने पूरी की है और आगे की पढ़ाई उन्होंने ब्रिटेन के वायरिक बिजनेस स्कूल से मैनेजमेंट में की है। अनमोल ने साल 2014 में रिलायंस म्यूचुअल फंड में अपने कैरियर की शुरुआत की और 2016 में उन्होंने रिलायंस कैपिटल
टल बोर्ड को ज्वाइन किया। 2019 में जय अनमोल और जय अंशुल रिलायंस इंफा के डायरेक्टर नियुक्त किए गए। गाइस, मां टीना अंबानी हमेशा कैमरे के सामने रही और सहज महसूस करती हैं, वहीं उनके दोनों बच्चे अपने आप को कैमरे के सामने सहज नहीं करते, वो काफी शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए मीडिया के सामने आने से बचते हैं। अनमोल अपने पिता के साथ दादा धीरूभाई अंबानी को अपना रोल मॉडल मानते हैं। अनमोल अपने कजिन आकाश, ईशा और अनंत के काफी करीब हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनमोल को लग्जरी लाइफ जीने का शौक है और उनके पास कई शानदार गाड़ियां हैं भी जिनकी कीमत करोड़ों में है। तो गाइज, अभी तक हमने बात की टीना अंबानी की, तो अभी थोड़ा अनिल अंबानी के बारे में जान लेते हैं। गाइज, तो गाइज, रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में कौन नहीं जानता और कौन नहीं जानता धीरूभाई अंबानी के बारे में। उनके ही छोटे बेटे हैं अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी उनके बड़े भाई हैं। अनिल अंबानी किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। कभी दुनिया के टॉप उद्योगपतियों में शामिल रहने वाले अनिल अंबानी का बिजनेस पिछले कुछ वक्त से कुछ खास नहीं चल पा रहा है। हालांकि बिजनेस के उतार चढ़ाव का असर वे अपनी फैमिली लाइफ पर पड़ने नहीं देते। वे परिवार के साथ भरपूर वक्त बिताते हैं। उनकी पत्नी टीना अंबानी के इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें मौजूद रहती हैं वो भी इस चीज को बयां करती हैं। गाइस, और अनिल अंबानी जो है अपने बिजनेस में इतने सफल नहीं रह पाए हैं कुछ समय से, और उनके इंस्टा अकाउंट पर भी ऐसी तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। उनसे पता लगता है कि वो अपने परिवार के साथ कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और अपने परिवार को क्या महत्व देते हैं, ये भी उससे पता लग जाता है। और अपने बिजनेस का असर अपनी फैमिली पर बिल्कुल भी पड़ने नहीं देते। तो गाइज, इस प्रकार टीना अंबानी बनी टीना मुनीम, और आजकल वो सक्रिय रूप से कई नींव और दान में शामिल हैं। इनमें से कई उनके ससुराल धीरूभाई और कोकिला बहन अंबानी की याद में स्थापित किए गए हैं, और उनका काम बुजुर्गों की देखभाल करना है, वो उससे भी जुड़ी हैं और भारतीय कला को बढ़ावा देने वाले ग्रुप से भी जुड़ी हुई हैं। और टीना अंबानी अनिल अंबानी के साथ एक आलीशान हवेली जैसे घर में रहते हैं, जहां हेलीपैड से लेकर स्विमिंग पूल, जिम जैसी सभी सुविधाएं हैं। यह मकान करीब 16,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। अनिल अंबानी के लग्जरी घर की कीमत 5,000 करोड़ रुपए बताई जाती है, जैसे कि मीडिया में है, और जो मुंबई का तीसरा सबसे महंगा घर भी है। हालांकि अब अनिल अंबानी का समय इतना अच्छा नहीं चल रहा है और अरबपतियों के क्लब से अनिल अंबानी का नाम भी हट गया है। फिर भी 3600 करोड़ रुपए उनकी कुल संपत्ति अभी भी है। और गाइस, आपको बता दें, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच कभी इतना प्यार था कि दोनों भाई एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते थे, पर कारोबारी साम्राज्य का बंटवारा 2005 में होने के बाद दोनों में कुछ झगड़े हो गए। दोनों भाइयों के बीच कंपनियों को बराबर बंटवारा हुआ था, लेकिन आज मुकेश अंबानी जहां दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में बड़े अहम स्थान पर है, वहीं अनिल अंबानी 2020 में अपनी नेटवर्थ जीरो होने का ऐलान कर चुके हैं। गाइस, और यह सिलसिला धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद ही दोनों भाइयों के रिश्ते खराब होने का शुरू हो गया था। 2005 में मुकेश और अनिल अंबानी के बीच बंटवारा हुआ था और धीरूभाई अंबानी ने अपने निधन से पहले कोई वसीयत नहीं बनाई थी। हालांकि जरूरी नहीं है, फिर भी यहां एक बात जरूर बताते चले, रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्थापक धीरूभाई अंबानी ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से कारोबार को इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। धीरूभाई ने रिलायंस का साम्राज्य बढ़ाने के लिए परिवार के रिश्तों को भी संभाल कर रखा। धीरूभाई रिश्तों को बहुत अहमियत देते थे। धीरूभाई अंबानी ने अमिताभ बच्चन के खराब समय में उनकी काफी मदद की थी। धीरूभाई हमेशा आगे सोचकर काम करते थे। हालांकि धीरूभाई अपने निधन से पहले एक काम नहीं कर पाए थे, इस वजह से उनके निधन के बाद दोनों भाइयों के बीच रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। गाइज, और गाइज, वो काम था वसीयत ना करना, क्योंकि धीरूभाई अंबानी ने कोई भी वसीयत नहीं की थी और उन्होंने यही एक गलती कर दी थी। इसी गलती की वजह से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच रिश्ते आगे चलकर खराब हो गए। दोनों भाइयों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई और धीरूभाई के दुनिया से चले जाने के बाद उनकी वसीयत ना होने की वजह से दोनों में रिलायंस पर कब्जा करने की जंग छिड़ गई। धीरूभाई अंबानी के निधन के बाद मुकेश अंबानी अपनी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और
मैनेजिंग डायरेक्टर बने, वहीं अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। लेकिन साल 2004 में दोनों भाइयों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। इसके बाद 2005 में माँ कोकिला बहन ने दोनों भाइयों के बीच कारोबारी साम्राज्य का ऐलान कर दिया। एक और बंटवारे के बाद मुकेश अंबानी लगातार सफलता प्राप्त करते रहे और अनिल अंबानी अपनी नेटवर्थ कमाते चले गए और हालत ये हो गई कि अरबपतियों में से अनिल अंबानी का नाम हट गया और इस समय दोनों की नेटवर्थ में जमीन और आसमान का अंतर है। गाइस, तो गाइस वापस से लौटते हैं टीना मुनीम पर। तो इस प्रकार टीना मुनीम के जीवन में कई अफेयर रहे। बाद में अनिल अंबानी से उन्होंने शादी की और राजसी साम्राज्य की मालकिन हुई और उनका जो जीवन है काफी संपदाओं से भरा पूरा है। तो ऐसे थी एक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं और अपनी सफलता पाई है इन्होंने अपने टाइम में और अच्छी फिल्में दी हैं। कम टाइम ही बिता पाई हैं फिल्म इंडस्ट्री में, फिर भी इन्होंने जितनी फिल्में दी हैं सब बेहतरीन और हिट रही हैं। तो गाइज इसी के साथ इस वीडियो को एंड करती हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।